गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी अपने अपने घर में अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडीज भी कर रहे होंगे, क्योंकि अब बहुत सारी पढ़ाई चालू हो गई है और हम बड़े भी हो चुके हैं। अब आप थर्ड स्टैंडर्ड में आ गए तो मम्मी भी आपको रोज कहती होगी, बड़े हो गए हो, अब तो ये भी करना है, ये भी करना है, ज्यादा पढ़ना भी है। तो आज हम करेंगे हिंदी सुलेख। क्या करेंगे? हिंदी सुलेख। उसके लिए आपको जो आपकी बुक है अल्फोंजो सुलेख विकास, अल्फोंजा सुलेख विकास 3, सबसे पहले ये बुक सबके पास होगी, वो निकालनी है आपको। उसके बाद इस बुक में पेज नंबर है 4, पेज नंबर 4 पर नीचे यहीं पर लिखा हुआ है डेट, वो आपको यहाँ पर क्या लगानी है, आज की डेट। और ऊपर फिर लिखेंगे CW क्लास वर्क। पिछले उसमें हमने लिंक पर जो हेडिंग डाला था, यहाँ भी इस पेज पर भी वही है, केवल लास्ट वाला वर्ड वो नहीं है, लास्ट वाला वर्ड अपोजिट है, इसलिए हम ऊपर कुछ हेडिंग नहीं डालेंगे, केवल समझ लेते हैं। बैल, बैल का लिंक बन देंगे तो क्या होगा, गाय, बैल गाय, गायक, गायक का होगा गायिका, जो मेल गाना गाते हैं, लड़के या आदमी गाना गाते हैं वो कहलाते हैं गायक, और जो लड़की लेडीज औरतें गाना गाती हैं उनको कहते हैं गायिका, गायक गायिका। नौकर नौकरानी, नौकर नौकरानी, ये तीन देखो क्या थे, लिंगबद्धों के शब्द। ये लास्ट वाला वर्ड है अपोजिट, विरोधी शब्द, पापुन। इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे ऊपर डॉट वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं वैसे ही लिखना है, अई की मात्रा है तो ऊपर, उ की मात्रा है तो नीचे, रेड लाइन से ब्लू लाइन के बीच में मात्रा लगानी है और वर्ड बीच में लिखना है। यहाँ अई की मात्रा है तो देखो आप ऊपर लगी हुई है, ई की मात्रा भी ऊपर है, औ की भी ऊपर है और उ की मात्रा नीचे लगी हुई है, तो मात्रा को आपको अच्छे से समझना है। अब हम देखेंगे पेज नंबर 5, तो पेज नंबर 5 में सारे विरोधी शब्द है, अपोजिट वर्ड है, तो ऊपर हम लिखेंगे विलोम शब्द। क्या लिखेंगे? विलोम शब्द। आकाश पाता, आय व्यय, आय मतलब हमारी कितनी इनकम हुई और व्यय खर्च करना, कितनी आय आई कितनी खर्च हुई, आय व्यय। उधार नकद, उधार नकद, अपना पराया, अपना पराया। यहाँ भी आप डेट लगाएंगे आज की, तो पहले आपको डॉट वाले वर्ड्स, जैसे डॉट डॉट लगे हुए हैं वर्ड्स के वो लिखना है, और फिर नीचे वाले तीन या 1, 2, 3, 4 चार लाइन है उनमें लिखना है। कैसे लिखना है मैं बोर्ड पर आपको बताऊंगी अभी, और बोर्ड पर देख देख कर, और उसमें इसमें हमने वर्ड समझ लिए हैं, बोर्ड पर जैसा मैं लिखूंगी उस तरह से आपको अपनी सुलेख बुक में लिखना है। हमने अभी पिछले वीडियो में जो है प्रोजेक्टर पे देख लिया था कि पेज नंबर 4 और 5 में हमको क्या करना है, पेज नंबर 2 और 3 हमने पहले वाले पेज में कर लिया था, आज हम करेंगे पेज नंबर 4 और 5। सबसे पहले हम नीचे आज की डेट, डेट जहाँ लिखी हुई है और डॉट डॉट लगाए हुए हैं वहां पर आप आज की डेट लगाएंगे, और ऊपर लिखेंगे क्लास वर्क CW। यहाँ पिछले पेज में आपको मैंने हेडिंग डलवाया था लिंग बदलो, यहाँ पर भी लिंग बदलो है, लेकिन लास्ट वर्ड इस पेज में विरोधी शब्द का दिया हुआ है, इसलिए हम पेज नंबर
फोर में कोई हेडिंग नहीं डालेंगे। हम समझ लेते हैं, हमको ये ध्यान रखना है कि पिंक लाइन के बीच में वर्ड लिखना है, ए की, ई की, ओ की मात्रा है तो वो ऊपर लगानी है और ओ की मात्रा है तो वो मात्रा नीचे लगेगी। कहाँ लगेगी? ओ की मात्रा नीचे, ए, आई, ई, ई, ओ, औ, ये मात्रा लाइन के ऊपर लगेगी। तो फर्स्ट वर्ड है बैल, बैल का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? गा, बैल, गा। फिर उसके बाद है गायक, गायिका, गायक, गायिका। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेल सिंगर होते हैं, लड़के या आदमी जो गाना गाते हैं उसे कहा जाता है गायक, और जो लड़की और औरतें गाना गाती हैं उन्हें कहा जाता है गायिका। नेक्स्ट है नौकर, नौकरानी, नौकर, नौकरानी। ये तीनों वर्ड लिंग बदलोगे थे। अब ये लास्ट वाला जो वर्ड है पाप, पाप का विरोधी शब्द है पुण्य। ये कोई लिंग बदलो वाला शब्द नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर आपको हेडिंग नहीं लगवाया था। हेडिंग हम नेक्स्ट पेज में लगाएंगे, यहाँ पाप और पुण्य। तो जो डॉट वाले वर्ड्स हैं वो पहले डॉट वाले डाक करेंगे, उसके बाद चार लाइन में लिखेंगे। अब हम करेंगे पेज नंबर 5। अब हम करेंगे पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में सारे अपोजिट वर्ड हैं, तो अपोजिट वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? विलोम शब्द या विरोधी शब्द। तो आप ऊपर हेडिंग में लिखेंगे इसमें विलोम शब्द, विलोम शब्द। फर्स्ट वर्ड है आकाश, आकाश का विरोधी क्या होगा? पाताल, आकाश, पाताल। इसमें कोई केवल आधी मात्रा है तो कहीं भी ऊपर और नीचे नहीं लिखना है, आपको पिंक लाइन के बीच में ही लिखना है। फिर है आय व्यय, आय व्यय। व आधा लिखेंगे ऐसे, व य य व्यय, व्यय मैंने खर्च करना, आय व्यय। अब है उधार नगद, उधार नगद। अपना पराया, अपना पराया। इन वर्ड्स में डॉट डॉट वाले वर्ड्स को डाइट बहुत ज्यादा डार्क करके हमको लिखना है, उनको छोड़ना नहीं है। जो डॉट वाले वर्ड्स हैं उनको भी लिखना है, उसके बाद जो नीचे चार लाइन बनी हुई है उसको अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। बहुत सुंदर जो लिखेगा उसको 3 स्टार मिलेंगे, और जो बहुत से बहुत अच्छा लिखेगा उसको 5 स्टार नोटबुक में मिलेंगे। वेरी गुड को हमेशा आप सेकंड तक लेते ही आए हो, अब थर्ड स्टैंडर्ड में आपको 5 स्टार मिलेंगे, 3 स्टार मिलेंगे। इसलिए सब लोग बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। थैंक यू।